सस्ती उड़ान का इंतजार करने वालों के लिए राकेश झुनझुनवाला की आकाशा ने अपने पंख फैला दिए हैं। अगले महीने से कमर्शियल ऑपरेशन शुरू करने की तैयारी कर चुकी आकाशा के पहले विमान ने मंगलवार को दिल्ली में लैंड किया। बोइंग 737 मैक्स विमान ने 17 जून को सिएटल से लंबी उड़ान शुरू की थी, जो आइसलैंड और साइप्रस होते हुए दिल्ली में अपने नए घर पर पहुंच गई है। इसके बाद आकाशा की अगली मंजिल भारतीय उपमहाद्वीप का आकाश होगा। अनुमान है कि अगले एक महीने में आकाशा को दो और बोइंग 737 मैक्स एयरक्राफ्ट की डिलीवरी हो जाएगी। इसके बाद जुलाई के आखिर तक आकाशा एयरलाइन में सस्ता सफर करने वालों की मंशा पूरी हो जाएगी। अगले साल मार्च तक आकाशा एयरलाइन को 18 और एयरक्राफ्ट मिल जाएंगे, जबकि बाकी बचा ऑर्डर अगले 4 साल में पूरा हो जाएगा। इंटरनेशनल एयर ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन ने आकाशा एयर को एयरलाइन कोड QP दिया गया है। उड़ानों की शुरुआत के बाद देसी एविएशन मार्केट की शहनशाह इंडिगो के साथ ही गो फर्स्ट, एयर एशिया इंडिया, स्पाइस जेट और एयर इंडिया से आकाशा का मुकाबला होगा। इस मुकाबले को दिलचस्प बनाएगी आकाशा के प्रमोटर और भारत के वॉरेन बफे माने जाने वाले दिग्गज शेयर बाजार निवेशक राकेश झुनझुनवाला की रणनीति। हर किसी की नजर इस पर रहेगी कि कैसे झुनझुनवाला इस क्षेत्र में भी शेयर बाजार की तरह परचम लहराएंगे। आकाशा की एंट्री को भारतीय एविएशन सेक्टर में लौटती हवाई यात्रियों की भीड़ से भी बड़ा फायदा मिलेगा। 2 साल तक कोरोना काल में शांत रहने के बाद अब देश का हवाई सफर ज्यादा व्यस्त हो गया है। ऐसे में एक नई एयरलाइन को अपने पैर जमाने का पूरा मौका मिलेगा। आकाशा की ये एंट्री एयर इंडिया के 300 विमानों के मेगा ऑर्डर के साथ हो रही है। टाटा ग्रुप के साथ जाने के बाद एयर इंडिया अब अपनी सेवाओं को अपनी नई ब्रांडिंग और बड़ी फ्लीट के साथ नई पहचान पाने के लिए बेताब है। इसके साथ ही जेट एयरवेज भी दोबारा से अपने पैरों पर खड़े होकर अब बस उड़ने का ही इंतजार कर रही है। एविएशन सेक्टर में शुरू होने वाली इस हलचल के बीच सवाल उठ रहा है कि इन सभी एयरलाइंस में किसका लुक सबसे बेहतरीन है। इसका जवाब बिजनेस टुडे के ऑनलाइन पोल से मिला है, जिसके मुताबिक यात्रियों को एयर इंडिया के रंग बिरंगे विमान सबसे ज्यादा पसंद है। आकाशा की एंट्री पर एक दिलचस्प ट्वीट एयरवेज तारा का देखने को मिला, जिसने नई एयरलाइन का स्वागत किया है। ऐसे में भारतीय आकाश में बढ़ती एयरलाइंस की तादाद से ग्राहकों को उम्मीद है कि उन्हें इनके मुकाबले से कम किराए और बेहतर सुविधाएं मिलेंगी, जिससे हर बार हवाई सफर पहले से ज्यादा सुखद, आरामदायक और सुकून भरा हो जाएगा। वीडियो पसंद आया तो हमें लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।